वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले अरसे दौरान सिखां दी प्रभु सत्ता अते हक्कां लई चले संघर्ष दौरान सिख नौजवानों नूं मुख रूप दे विच सरकारी जबर अते जुल्म दा शिकार होना पिया। सिख नौजवानों नूं झूठे पुलिस मुकाबले बना के घरां चों चुक चुक के तकरीबन एक पीढ़ी ही खत्म कर दिती गई। हजारां नौजवान झूठे पुलिस मुकाबले बना के खत्म कर दिते गए, जिन्हां दे इंसाफ लई अज भी मापे भारतीय न्याय प्रणाली दे चक्कर कट रहे हन। सो अज फिर भारतीय स्टेट अफसरशाही राजसी नेता अते न्याय प्रणाली पूरी तरह एकजुट हो के रेफरेंडम 2020 दे बैनर हेठ पंजाब दे नौजवानों नू सरकारी जुल्म अते तशद्दद दा निशाना बना के खत्म करना चाहुंदी है। अज फिर रेफरेंडम 2020 दे नाते सिख नौजवानों नू जेलां च डक के जेड़े नौजवान सिखी दी गल करदे आ, धर्म दी गल करदे आ, उन्हां नू खत्म करन दा इह जिहड़ा पूरा जोर ला रहे आ। सो मैं विशेष जिहड़ी आप सब नाल गल सांझी करनी चाहुंदा कि पिछले दिनी जिला मोगा दे विच कुछ नौजवानों वल्लों डीसी ऑफिस दे उपर केसरी निशान चला दिता गया, जिस दे बाद पुलिस प्रशासन वल्लों बहुत सारे बेगुनाह नौजवान जिहड़े नौजवान पिछले समय दौरान धर्म दी सिखी दी गल करदे सी उन्हां नूं जबरी घरां चों चुक चुक के थाणियां च लिजा के उन्हां ते अनमनुखी अते गैर कानूनी तशद्दद कीता गया। उन्हां नूं थाणियां दे विच जलील कीता गया, बीबियां नूं थाणियां च लिजा के उन्हां नूं उत्थे टॉर्चर कीता गया, जो कि बहुत ही मंदभागी गल है। सो मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी दे ध्यान दे विच भी लियाउणा चाहुंदा कि मोगे दे विच बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन्हां नूं तीन तीन चार चार दिन थाणियां दे विच रख के बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उस तों बाद जदों उन्हां नूं छड्डिया बकायदा उन्हां कोलों रिटन दे विच लिखाया गया कि उह बाहर जाके किसी नाल कोई गल नहीं करनगे। उन्हां दे मापियां कोलों अते पिंड दे मोहतवार बंदियां कोल रिटन दे विच गल लिखाई कि तुसीं जिहड़ा ये बंदे बाहर जाके जो इन्हां नाल तशद्दुद होया किसी नाल गल नहीं करनगे, सो उन्हां नूं डराया गया। सो मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अते समूह आगू साहिबानां नूं बेनती करदा कि जे उह सरकार भारतीय स्टेट अते इत्थों दा सरकारी तंत्र प्रशासन नाल रल के जो आउण वाले समय दे विच सिख नौजवानी दा घाण करना चाहुंदे आ रेफरेंडम 2020 दे बैनर हेठ, सो सानू सारयां नूं सचेत हो के इस गल की विरोधता करनी चाहीदी है, क्योंकि ये लोग बहाना बना रहे हैं कि किस तरह हुण जिहड़े नौजवान सिक्खी की गल कर रहे हैं उन्हां नूं किद्दां खत्म करना। सो मैं कुछ वीर जिहड़े ये गल करनगे कि असीं रेफरेंडम 2020 का विरोध करदे हां, बिल्कुल जिहड़े लोग कहिंदे कईए कहणगे कि सरकारां नाल रले आ, मैं इत्थे गल करनी चाहुंदा कि जिहड़े लोग रेफरेंडम 2020 के हक च आओ, मैं अगे लगदा मोगे दे विच जिहड़े नौजवानां दे उत्ते अनमनुखी तशद्दुद होया उन्हां दे इंसाफ लई मैं अगे लगूंगा, तुसीं आओ सारे, क्योंकि ये गल्लां कहणियां बहुत सौखियां करनियां बहुत औखियां। सो सानू ये सोचना पऊगा कि सरकार की सोचदी आ, किद्दां सोचदी आ, क्योंकि इन्हां कोलों जरिया नहीं जांदा सिख नौजवान जिहड़े धर्म की गल करदे आ। जदों भी किते कोई भीड़ पैंदी आ सिख नौजवान अगे हो के खड़दे आ अते किसे ते जुल्म हुंदा तां अगे हो के खड़दे आ कि उत्थों सरकारां ये बर्दाश्त नहीं करदियां। सो मैं फिर बेनती करदा समूह आगू साहिबानां नूं कि इस गल वल खास ध्यान दिता जावे, क्योंकि आने वाले टाइम दे विच इलैक्शन दे दिनां दे विच सिख नौजवानों रेफरेंडम 2020 के नाँ हेठ बहुत बुरी तरह जलील किया जाना, उन्हां ते झूठे केस दर्ज करके
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।